हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं अपने गार्डन की बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम आई है मेरे गार्डन में, वो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाह रही हूँ, और आप लोग भी सावधान हो जाएं अगर इस प्रकार से आपके गार्डन में कोई प्रॉब्लम आ रही है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जो कीड़े हैं ये बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं। बरसात में इस प्रकार के कीड़े हमारे गार्डन में बहुत जल्दी पनप जाते हैं, और हमारे जो गार्डन की पत्तियां हैं, सॉरी प्लांट्स की जो पत्तियां हैं, उनको इस प्रकार से चट करते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता है, रातों रात पूरा प्लांट खा जाते हैं। तो देख सकते हैं इस प्रकार से मेरे गार्डन में जो प्लांट्स हैं, हर प्लांट की लगभग ये इस प्रकार से पत्तियों को चट कर जा रहे हैं और पता ही नहीं चल रहा है। तो मैंने 2-3 दिनों से उस पर उपचार करना स्टार्ट कर दिया है। काफ़ी टाइम पहले भी मैंने किया था तो बीच में चले गए थे, लेकिन इस फिर से जब बरसात स्टार्ट हुई है उसके बाद ये धूप छांव का जो मौसम लगा रहता है, इससे जो है कीड़े बहुत जल्दी पनपते हैं गार्डन में। तो देखिए, मैंने इसके लिए अभी तक तो मैंने पानी में जो विम है या जो भी सर्फ वगैरह आप यूज़ करते हैं उसको डाल के इस पर स्प्रे करेंगे तो ये निकल जाएंगे। तो मैंने स्प्रे किया था तो सारे देखिए ज़मीन में आके गिरे हुए हैं। तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ आप लोग अपने गार्डन को ज़रूर चेक करें, एक एक प्लांट को। इस प्रकार से अगर ये कीड़े आपके गार्डन में घुस आए हैं तो ये बिल्कुल भी आपके प्लांट को छोड़ने वाले नहीं हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, और जब प्लांट्स को खा जाएंगे तो फिर प्लांट्स बचेंगे ही नहीं। और जितनी भी मैंने अभी नई नई कटिंग लगाई थी कोलियस वगैरह की भी, तो उनको भी इन्होंने बहुत ज़्यादा हार्म पहुँचाया है। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर अपने गार्डन में इन प्लांट को चेक करें। कुछ दिनों तक फ्रेंड्स मैंने नीम ऑयल का स्प्रे किया, लेकिन उससे ये बिल्कुल भी कीड़े हटे नहीं, बिल्कुल भी डटे रहे, और इन्होंने तो इस प्रकार से कब्जा कर रखा था मानो कि इन्होंने ही हमारे गार्डन में जो है अपना घर बना रखा हो। बहुत परेशान होने के बाद मैंने ये वाला जो फार्मूला अपनाया, पानी 1 लीटर पानी में मैंने 1/2 स्पून जो है सर्फ डाल के स्प्रे किया है। उससे कल रात में जो मैंने किया था तो सारे जो कीड़े हैं वो ज़मीन में आकर बेहोश हुए मुझे पड़े मिले थे, तो मैंने फटाफट उसमें झाड़ू लगा के उनको बाहर फेंक दिया। लेकिन फिर भी अभी भी मैं जब मॉर्निंग में आई थी तो देखा था कि बहुत से प्लांट्स फिर भी खा गए हैं। तो अभी 2-4 दिन मुझे ये करना पड़ेगा, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर चेक करें।